नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई। निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखें, संगीत दिया है उत्पल विश्वास। रिलीज की तारीख 1997। देश इंडिया। भाषा हिंदी। अभिनीत जैकी श्रॉफ। सार बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेरफेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे। सार बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे। ढालना जैकी श्रॉफ जय के रूप में, रवि किशन शेखर के रूप में, अनुपम खेर टिम्पल कपाड़िया, टीनू आनंद सी एस दुबे साहूकार के रूप में, जानकी दास सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में। गीत संगीत। संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाज़ार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास, रिहा 1997, रिकॉर्डेड 1995। शैली गीत संगीत, लेवल सोनी म्यूजिक इंडिया, निर्माता उत्पल विश्वास। ट्रैक सूची। गाना नंबर 1 मौसम है ये पीने साबिर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है।
गाना नंबर है वो नीली आंखों सागर वाली। इस गाने को बाबुल सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज़ में गाया है, बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर 3 बरसात की रातों में, बोल दिए हैं साबिर ने। और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर 4 प्यार के काबिल तो समझौता, इस गाने को साबिर ने लिखा है और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 जग्गू के दिल में चोरी हुई, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 किस्मत ने लिखा है क्या, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 चिट्ठी ना आई, इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई। निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखें, संगीत दिया है उत्पल विश्वास। रिलीज की तारीख 1997। देश इंडिया। भाषा हिंदी। अभिनीत जैकी श्रॉफ। सार बॉम्बे के व्यापारिक ज़िले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं, वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है। और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? सार बॉम्बे के व्यापारिक ज़िले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं, वे
लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं। और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है। और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? ढालना जय की श्रॉफ जय के रूप में, रवि किशन शेखर के रूप में, अनुपम खेर, टिम्पल कपाड़िया, टीनू आनंद, सी एस दुबे साहूकार के रूप में, जानकी दास सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में। गीत संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाजार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास, रिहा 1997, रिकॉर्डेड 1995, शैली गीत संगीत, लेवल सोनी म्यूजिक इंडिया, निर्माता उत्पल विश्वास, ट्रैक सूची, गाना नंबर 1 मौसम है ये पीने साविर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नीली आँखों साविर वाली। इस गाने को बाबू सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज़ में गाया है। बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर 3 बरसात की रातों में, बोल दिए हैं साबिर ने। और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर 4 प्यार के काबिल तो समझौता, इस गाने को साबिर ने लिखा है और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 जग्गू के दिल में चोरी हुई, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 किस्मत ने लिखा है क्या, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 चिट्ठी ना आई, इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई। निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखें, संगीत दिया है उत्पल विश्वास। रिलीज की तारीख 1997। देश इंडिया। भाषा हिंदी।
अभिनीत, जैकी श्रॉफ, सार। बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है। और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? सार, बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है। और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? ढालना, जैकी श्रॉफ, जय के रूप में रवि किशन, शेखर के रूप में अनुपम खेर, टिम्पल कपाड़िया, टीनू आनंद, सी एस दुबे साहूकार के रूप में जानकी दास, सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में। गीत संगीत, संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाजार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास, रिहा 1997, रिकॉर्डेड 1995। शैली गीत संगीत, लेवल सोनी म्यूजिक इंडिया, निर्माता उत्पल विश्वास। ट्रैक सूची, गाना नंबर 1 मौसम है ये पीने साबिर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नीली आँखों साबिर वाली। इस गाने को बाबुल सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज़ में गाया है। बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर 3 बरसात की रातों में, बोल दिए हैं साबिर ने। और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर 4 प्यार के काबिल तो समझौता, इस गाने को साबिर ने लिखा है और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 जग्गू के दिल में चोरी हुई, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 किस्मत ने लिखा है क्या, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 चिट्ठी ना आई, इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने
अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई। निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखें, संगीत दिया है उत्पल विश्वास। रिलीज की तारीख 1997। देश इंडिया। भाषा हिंदी। अभिनीत जैकी श्रॉफ। सार बॉम्बे के व्यापारिक ज़िले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? सार बॉम्बे के व्यापारिक ज़िले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? ढालना जैकी श्रॉफ जय के रूप में, रवि किशन शेखर के रूप में, अनुपम खेर डिंपल कपाड़िया, टीनू आनंद सी एस दुबे साहूकार के रूप में, जानकी दास सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में। गीत संगीत। संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाज़ार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास रिया 1997, रिकॉर्डेड 1995। शैली गीत संगीत, लेवल सोनी म्यूजिक इंडिया,
निर्माता उत्पल विश्वास। ट्रैक सूची। गाना नंबर एक मौसम है ये पीने साबिर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो नीली आँखों साबिर वाली। इस गाने को बाबुल सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज़ में गाया है। बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर तीन बरसात की रातों में। बोल दिए हैं साबिर ने और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर चार प्यार के काबिल तो समझौता। इस गाने को साबिर ने लिखा है और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर पाँच जग्गू के दिल में चोरी हुई। इस गाने को साबिर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः किस्मत ने लिखा है क्या। इस गाने को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर सात चिट्ठी ना आई। इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई। निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखें, संगीत दिया है उत्पल विश्वास। रिलीज की तारीख 1997। देश इंडिया। भाषा हिंदी। अभिनीत जैकी श्रॉफ। सार बॉम्बे के व्यापारिक ज़िले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे। सार बॉम्बे के व्यापारिक ज़िले में दलाल स्ट्रीट पर
एक बहुमंजिला इमारत है, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं, और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है। और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? ढालना जय की श्रॉफ जय के रूप में, रवि किशन शेखर के रूप में, अनुपम खेर, टिम्पल कपाड़िया, टीनू आनंद, सी एस दुबे साहूकार के रूप में, जानकी दास सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में। गीत संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाजार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास, रिहा 1997, रिकॉर्डेड 1995। शैली गीत संगीत, लेवल सोनी म्यूजिक इंडिया, निर्माता उत्पल विश्वास। ट्रैक सूची, गाना नंबर 1 मौसम है ये पीने साबिर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नीली आँखों साबिर वाली। इस गाने को बाबुल सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज़ में गाया है। बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर 3 बरसात की रातों में। बोल दिए हैं साबिर ने और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर 4 प्यार के काबिल तो समझौता, इस गाने को साबिर ने लिखा है और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 जग्गू के दिल में चोरी हुई, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 किस्मत ने लिखा है क्या, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 चिट्ठी ना आई, इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है, जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई।
निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखें, संगीत दिया है उत्पल विश्वास, रिलीज की तारीख 1997, देश इंडिया, भाषा हिंदी, अभिनीत जैकी श्रॉफ, सार बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? सार बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? ढालना जैकी श्रॉफ जय के रूप में, रवि किशन शेखर के रूप में, अनुपम खेर टिम्पल कपाड़िया, टीनू आनंद सी एस दुबे साहूकार के रूप में, जानकी दास सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में। गीत संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाजार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास, रिहा 1997, रिकॉर्डेड 1995। शैली गीत संगीत, लेवल सोनी म्यूजिक इंडिया, निर्माता उत्पल विश्वास। ट्रैक सूची, गाना नंबर 1 मौसम है ये पीने साबिर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नीली आँखों साबिर वाली। इस गाने को बाबुल सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज़ में गाया है। बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर 3 बरसात की रातों में, बोल दिए हैं साबिर ने और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर 4 प्यार के काबिल तो समझौता, इस गाने को साबिर ने लिखा है और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 जग्गू के दिल में चोरी हुई, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 किस्मत ने लिखा है क्या,
ईरानी को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 चिट्ठी ना आई, इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई। निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखें, संगीत दिया है उत्पल विश्वास। रिलीज की तारीख 1997। देश इंडिया। भाषा हिंदी। अभिनीत जैकी श्रॉफ। सार बॉम्बे के व्यापारिक ज़िले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं, वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? सार बॉम्बे के व्यापारिक ज़िले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं, वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? ढालना जैकी श्रॉफ जय के रूप में, रवि किशन शेखर के रूप में, अनुपम खेर, डिंपल कपाड़िया, टीनू आनंद, सी एस दुबे साहूकार के रूप में, जानकी दास सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में। गीत संगीत। संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और
सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाजार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास रिया 1997, रिकॉर्डेड 1995। शैली गीत संगीत लेवल सोनी म्यूजिक इंडिया। निर्माता उत्पल विश्वास। ट्रैक सूची गाना नंबर 1 मौसम है ये पीने साबिर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नीली आँखों साबिर वाली। इस गाने को बाबू सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज़ में गाया है। बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर 3 बरसात की रातों में। बोल दिए हैं साबिर ने और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर 4 प्यार के काबिल तो समझौता। इस गाने को साबिर ने लिखा है और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 जग्गू के दिल में चोरी हुई। इस गाने को साबिर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 किस्मत ने लिखा है क्या। इस गाने को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 चिट्ठी ना आई। इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई। निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखें, संगीत दिया है उत्पल विश्वास। रिलीज की तारीख 1997। देश इंडिया। भाषा हिंदी। अभिनीत जैकी श्रॉफ। सार बॉम्बे के व्यापारिक ज़िले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज द्वारा
स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंदरों की अगली हतायत होंगे? सार, बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? ढालना, जय किश्रॉफ जय के रूप में, रवि किशन शेखर के रूप में, अनुपम खेर, टिम्पल कपाड़िया, टीनू आनंद, सी एस दुबे साहूकार के रूप में, जानकी दास सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में। गीत संगीत संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाजार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास, रिहा 1997, रिकॉर्डेड 1995। शैली गीत संगीत, लेवल सोनी म्यूजिक इंडिया, निर्माता उत्पल विश्वास। ट्रैक सूची, गाना नंबर 1 मौसम है ये पीने साबिर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नीली आँखों साबिर वाली। इस गाने को बाबुल सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज़ में गाया है। बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर 3 बरसात की रातों में, बोल दिए हैं साबिर ने और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर 4 प्यार के काबिल तो समझौता, इस गाने को साबिर ने लिखा है और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 जग्गू के दिल में चोरी हुई, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 किस्मत ने लिखा है क्या, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 चिट्ठी ना आई, इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त
हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई। निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखें, संगीत दिया है उत्पल विश्वास। रिलीज की तारीख 1997। देश इंडिया। भाषा हिंदी। अभिनीत जैकी श्रॉफ। सार बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? सार बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? ढालना जैकी श्रॉफ जय के रूप में, रवि किशन शेखर के रूप में, अनुपम खेर टिम्पल कपाड़िया, टीनू आनंद सी एस दुबे साहूकार के रूप में, जानकी दास सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में। गीत संगीत। संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाज़ार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास रिहा 1997, रिकॉर्डेड 1995। शैली गीत संगीत। लेबल सोनी म्यूजिक इंडिया। निर्माता उत्पल विश्वास। ट्रैक सूची। गाना नंबर 1 मौसम है ये पीने साविर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नीली आँखों साविर वाली। इस गाने को बाबुल सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज़ में गाया है। बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर 3 बरसात की रातों में। बोल दिए हैं साबिर ने और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर 4 प्यार के काबिल तो समझौता। इस गाने को साबिर ने लिखा है
और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 जग्गू के दिल में चोरी हुई, इस गाने को सागर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 किस्मत ने लिखा है क्या, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 चिट्ठी ना आई, इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई। निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखें, संगीत दिया है उत्पल विश्वास। रिलीज की तारीख 1997। देश इंडिया। भाषा हिंदी। अभिनीत जैकी श्रॉफ। सार बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं, वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? सार बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं, वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? ढालना जय की श्रॉफ जय के रूप में रवि किशन
शिखर के रूप में अनुपम खेर, डिंपल कपाड़िया, टीनू आनंद, सी एस दुबे साहूकार के रूप में जानकी दास, सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में। गीत संगीत संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाजार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास, रिहा 1997, रिकॉर्डेड 1995। शैली गीत संगीत, लेवल सोनी म्यूजिक इंडिया, निर्माता उत्पल विश्वास। ट्रैक सूची, गाना नंबर 1 मौसम है ये पीने साविर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नीली आँखों साविर वाली। इस गाने को बाबू सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज़ में गाया है। बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर 3 बरसात की रातों में, बोल दिए हैं साबिर ने और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर 4 प्यार के काबिल तो समझौता, इस गाने को साबिर ने लिखा है और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 जग्गू के दिल में चोरी हुई, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 किस्मत ने लिखा है क्या, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 चिट्ठी ना आई, इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई। निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखें, संगीत दिया है उत्पल विश्वास। रिलीज की तारीख 1997। देश इंडिया। भाषा हिंदी। अभिनीत जैकी श्रॉफ। सार बॉम्बे के व्यापारिक ज़िले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता
बंधु हसमुख और मनसुख हैं, वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं। और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है। और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? सार, बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं, वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं। और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है। और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? ढालना, जय किशरव जय के रूप में रवि किशन, शेखर के रूप में अनुपम खेर, डिम्पल कपाड़िया, टीनू आनंद, सी एस दुबे साहूकार के रूप में जानकी दास, सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में। गीत संगीत, संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाजार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास, रिहा 1997, रिकॉर्डेड 1995। शैली गीत संगीत, लेबल सोनी म्यूजिक इंडिया, निर्माता उत्पल विश्वास। ट्रैक सूची, गाना नंबर 1 मौसम है ये पीने साबिर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नीली आँखों सागर वाली। इस गाने को बाबू सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज़ में गाया है। बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर 3 बरसात की रातों में, बोल दिए हैं साबिर ने। और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर 4 प्यार के काबिल तो समझौता, इस गाने को साबिर ने लिखा है और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 जग्गू के दिल में चोरी हुई, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 किस्मत ने लिखा है क्या, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 चिट्ठी ना आई, इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम
मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई। निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखें, संगीत दिया है उत्पल विश्वास। रिलीज की तारीख 1997। देश इंडिया। भाषा हिंदी। अभिनीत जैकी श्रॉफ, सार बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं, वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? सार बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं, वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? ढालना जैकी श्रॉफ जय के रूप में, रवि किशन शेखर के रूप में, अनुपम खेर टिम्पल कपाड़िया, टीनू आनंद सी एस दुबे साहूकार के रूप में, जानकी दास सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में। गीत संगीत। संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाज़ार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास, रिहा 1997, रिकॉर्डेड 1995। शैली गीत संगीत, लेवल सोनी म्यूजिक इंडिया, निर्माता उत्पल विश्वास। ट्रैक सूची। गाना नंबर 1 मौसम है ये पीने साविर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नीली आँखों साविर वाली।
इस गाने को बाबुल सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज़ में गाया है। बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर 3 बरसात की रातों में। बोल दिए हैं साबिर ने और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर 4 प्यार के काबिल तो समझौता। इस गाने को साबिर ने लिखा है और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 जग्गू के दिल में चोरी हुई। इस गाने को साबिर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 किस्मत ने लिखा है क्या। इस गाने को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 चिट्ठी ना आई। इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई। निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखे, संगीत दिया है उत्पल विश्वास। रिलीज की तारीख 1997। देश इंडिया। भाषा हिंदी। अभिनीत जैकी श्रॉफ। सार बॉम्बे के व्यापारिक ज़िले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे। सार बॉम्बे के व्यापारिक ज़िले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके
आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? ढालना जय की श्रॉफ जय के रूप में, रवि किशन शेखर के रूप में, अनुपम खेर, टिम्पल कपाड़िया, टीनू आनंद, सी एस दुबे साहूकार के रूप में, जानकी दास सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में। गीत संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाजार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास, रिहा 1997, रिकॉर्डेड 1995। शैली गीत संगीत, लेवल सोनी म्यूजिक इंडिया, निर्माता उत्पल विश्वास। ट्रैक सूची, गाना नंबर 1 मौसम है ये पीने साविर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नीली आँखों साविर वाली। इस गाने को बाबुल सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज़ में गाया है। बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर 3 बरसात की रातों में, बोल दिए हैं साबिर ने और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर 4 प्यार के काबिल तो समझौता, इस गाने को साबिर ने लिखा है और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 जग्गू के दिल में चोरी हुई, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 किस्मत ने लिखा है क्या, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 चिट्ठी ना आई, इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई। निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखें, संगीत दिया है उत्पल विश्वास, रिलीज की तारीख 1997, देश इंडिया, भाषा हिंदी, अभिनीत जैकी श्रॉफ,
अनुसार बॉम्बे के व्यापारिक ज़िले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है। और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? सार, बॉम्बे के व्यापारिक ज़िले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है। और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? ढालना, जय की श्रॉफ जय के रूप में, रवि किशन शेखर के रूप में, अनुपम खेर टिम्पल कपाड़िया, टीनू आनंद सी एस दुबे साहूकार के रूप में, जानकी दास सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में, गीत संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाजार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास, रिहा 1997, रिकॉर्डेड 1995, शैली गीत संगीत, लेबल सोनी म्यूजिक इंडिया, निर्माता उत्पल विश्वास, ट्रैक सूची, गाना नंबर 1 मौसम है ये पीने साबिर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नीली आँखों साबिर वाली। इस गाने को बाबू सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज़ में गाया है। बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर 3 बरसात की रातों में। बोल दिए हैं साबिर ने। और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर 4 प्यार के काबिल तो समझौता। इस गाने को साबिर ने लिखा है और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 जग्गू के दिल में चोरी हुई। इस गाने को साबिर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 किस्मत ने लिखा है क्या। इस गाने को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 चिट्ठी ना आई। इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई। निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखें, संगीत दिया है उत्पल विश्वास। रिलीज की तारीख 1997। देश इंडिया। भाषा हिंदी। अभिनीत जैकी श्रॉफ, सार बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है। और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे। सार बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है। और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे। ढालना जैकी श्रॉफ जय के रूप में, रवि किशन शेखर के रूप में, अनुपम खेर टिम्पल कपाड़िया, टीनू आनंद सी एस दुबे साहूकार के रूप में, जानकी दास सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में। गीत संगीत। संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाज़ार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास, रिहा 1997, रिकॉर्डेड 1995। शैली गीत संगीत, लेवल सोनी म्यूजिक इंडिया, निर्माता उत्पल विश्वास। ट्रैक सूची। गाना नंबर 1 मौसम है ये पीने साविर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2
इस गाने को बावी सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज़ में गाया है। बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर 3 बरसात की रातों में। बोल दिए हैं साबिर ने और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर 4 प्यार के काबिल तो समझौता। इस गाने को साबिर ने लिखा है और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 जग्गू के दिल में चोरी हुई। इस गाने को साबिर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 किस्मत ने लिखा है क्या। इस गाने को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 चिट्ठी ना आई। इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई। निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखें, संगीत दिया है उत्पल विश्वास। रिलीज की तारीख 1997। देश इंडिया। भाषा हिंदी। अभिनीत जैकी श्रॉफ। सार बॉम्बे के व्यापारिक ज़िले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज द्वारा स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे। सार बॉम्बे के व्यापारिक ज़िले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके
आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? ढालना जय की श्रॉफ जय के रूप में, रवि किशन शेखर के रूप में, अनुपम खेर, टिम्पल कपाड़िया, टीनू आनंद, सी एस दुबे साहूकार के रूप में, जानकी दास सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में। गीत संगीत संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाजार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास, रिहा 1997, रिकॉर्डेड 1995, शैली गीत संगीत, लेवल सोनी म्यूजिक इंडिया, निर्माता उत्पल विश्वास, ट्रैक सूची, गाना नंबर 1 मौसम है ये पीने साविर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नीली आँखों साविर वाली। इस गाने को बाबुल सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज़ में गाया है। बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर 3 बरसात की रातों में। बोल दिए हैं साबिर ने और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर 4 प्यार के काबिल तो समझौता, इस गाने को साबिर ने लिखा है और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 जग्गू के दिल में चोरी हुई, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 किस्मत ने लिखा है क्या, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 चिट्ठी ना आई, इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई। निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखें, संगीत दिया है उत्पल विश्वास, रिलीज की तारीख 1997, देश इंडिया, भाषा हिंदी, अभिनीत जैकी श्रॉफ,
अनुसार बॉम्बे के व्यापारिक ज़िले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है। और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? सार, बॉम्बे के व्यापारिक ज़िले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है। और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? ढालना, जय की श्रॉफ जय के रूप में, रवि किशन शेखर के रूप में, अनुपम खेर, टिम्पल कपाड़िया, टीनू आनंद, सी एस दुबे साहूकार के रूप में, जानकी दास सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में, गीत संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाज़ार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास, रिया 1997, रिकॉर्डेड 1995, शैली गीत संगीत, लेवल सोनी म्यूजिक इंडिया, निर्माता उत्पल विश्वास, ट्रैक सूची, गाना नंबर 1 मौसम है ये पीने साविर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नीली आँखों साविर वाली। इस गाने को बाबू सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज़ में गाया है। बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर 3 बरसात की रातों में। बोल दिए हैं साबिर ने। और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर 4 प्यार के काबिल तो समझौता। इस गाने को साबिर ने लिखा है और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 जग्गू के दिल में चोरी हुई। इस गाने को साबिर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 किस्मत ने लिखा है क्या। इस गाने को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 चिट्ठी ना आई। इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई। निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखिए, संगीत दिया है उत्पल विश्वास। रिलीज की तारीख 1997। देश इंडिया। भाषा हिंदी। अभिनीत जैकी श्रॉफ। सार बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है। और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे। सार बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं। वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है। और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे। ढालना जैकी श्रॉफ जय के रूप में, रवि किशन शेखर के रूप में, अनुपम खेर टिम्पल कपाड़िया, टीनू आनंद सी एस दुबे साहूकार के रूप में, जानकी दास सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में। गीत संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाज़ार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास, रिहा 1997, रिकॉर्डेड 1995। शैली गीत संगीत, लेवल सोनी म्यूजिक इंडिया, निर्माता उत्पल विश्वास। ट्रैक सूची। गाना नंबर 1 मौसम है ये पीने साबिर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है।
गाना नंबर है नीली आंखों सागर वाली। इस गाने को बाबुल सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज में गाया है, बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर 3 बरसात की रातों में, बोल दिए हैं साबिर ने और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर 4 प्यार के काबिल तो समझौता, इस गाने को साबिर ने लिखा है और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 जग्गू के दिल में चोरी हुई, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 किस्मत ने लिखा है क्या, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 चिट्ठी ना आई, इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको शेयर बाज़ार मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शेयर बाज़ार फिल्म। शेयर बाज़ार 1997 में बनी एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन ने किया और 1997 में रिलीज हुई। निर्देशक मनमोहन, अभिनीत नीचे देखें, संगीत दिया है उत्पल विश्वास। रिलीज की तारीख 1997। देश इंडिया। भाषा हिंदी। अभिनीत जैकी श्रॉफ। सार बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं, वे लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है और दूसरी ओर उन्होंने राज्य द्वारा स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? सार बॉम्बे के व्यापारिक जिले में दलाल स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार कहा जाता है। यहीं से किस्मत बनती और बिगड़ती है। शेयरों में ऐसे दो व्यापारियों में मेहता बंधु हसमुख और मनसुख हैं, वे
लोगों के जीवन में भी हेर फेर करते हैं। और इस बार उन्होंने शेखर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला किया है। और दूसरी ओर उन्होंने राज द्वारा एक स्ट्रीट स्मार्ट युवक को चुना है और उसे शेखर की जगह लेने के लिए ले लिया है। क्या राज प्रभावशाली मेहता बंधुओं की अगली हतायत होंगे? ढालना जय किशोर, जय के रूप में रवि किशन, शेखर के रूप में अनुपम खेर, डिंपल कपाड़िया, टीनू आनंद, सीएस दुबे साहूकार के रूप में जानकी दास, सुधीर पुलिस आयुक्त के रूप में। गीत संगीत, संगीत उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। शेयर बाजार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा उत्पल विश्वास, रिया 1997, रिकॉर्डेड 1995। शैली गीत संगीत, लेबल सोनी म्यूजिक इंडिया, निर्माता उत्पल विश्वास। ट्रैक सूची, गाना नंबर 1 मौसम है ये पीने साबिर का। इस गाने को पंकज उदासी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नीली आँखों साबिर वाली। इस गाने को बाबू सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी आवाज़ में गाया है। बोल दिए हैं साबिर ने। गाना नंबर 3 बरसात की रातों में, बोल दिए हैं साबिर ने। और साधना सरगम ने इस गाने को गाया है। गाना नंबर 4 प्यार के काबिल तो समझौता, इस गाने को साबिर ने लिखा है और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 5 जग्गू के दिल में चोरी हुई, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भावना पंडित विनोद राठौर ने इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 किस्मत ने लिखा है क्या, इस गाने को साबिर ने लिखा है और भवदीप जयपुर वाले ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 7 चिट्ठी ना आई, इस गाने को श्रीकांत मिश्रा ने लिखा है और रीमा दास गुप्ता ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है।